तेज रफ्तार कार के चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक में बैठी महिला को गंभीर चोट आई है। महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार को आंशिक चोटें आई हैं। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अन्नपूर्णा द्विवेदी अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक से जा रही थी। रास्ते में कोलगुआ थाना अंतर्गत करसरा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगते ही बाइक में पीछे बैठी अन्नपूर्णा नीचे जा गिरी, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों द्वारा सूचना दिए जाने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल बाइक सवारों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान अन्नपूर्णा ने दम तोड़ दिया। पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई के पश्चात मृतका का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कोलगुमा पुलिस के द्वारा आरोपी कार चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हो गया 12 से 1 बजे के लगभग हुई घटना। हम वहाँ खेत देखने गए थे, अंकल जी लेके जा रहे थे मामा के यहाँ मम्मी, तो वो इधर से जाते समय वहाँ से वो गाड़ी आ गई फोर व्हीलर, तो वो हो गया माने ये और वो माने बगल से ये गाड़ी निकाले तो वो वहीं गिर गई। उसका माने जैसे उधर से गाड़ी आई फोर व्हीलर, तो उसमें से वो सिर में टकरा गई। क्या फोर व्हीलर वाले ने ठोकर मारी? हाँ। तो कहाँ पास की घटना है? करसरा के पास। करसरा के पास भरजुना पंचायत। कितने लोग थे गाड़ी पे? गाड़ी में वो अकेले था ड्राइवर, फोर व्हीलर वाला अकेले। ये लोग दो थे। कौन कौन था दो लोग इसमें मोटरसाइकिल में? ये राधिका प्रसाद द्विवेदी और माता जी थी अन्नपूर्णा द्विवेदी। क्या नाम है माता ना आपका? अन्नपूर्णा द्विवेदी। उम्र कितनी होगी लगभग इनकी? लगभग 52-53। स्पॉट में जैसे आप लोग जैसे खेत में थे, तो आप लोगों को जानकारी किस मारे? देखा तो उधर से लदवा के फिर लेबा लाए। अच्छा, वही उसी गाड़ी में यहाँ आई। अच्छा, वो वही गाड़ी वाला यहाँ छोड़ के गया? हाँ। अब फिर हमसे बोला कि पार्किंग में लगा रहे हैं, तो इतने में निकल गए। गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ लिए? गाड़ी का नंबर है। क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर तंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए पेप्टेक ग्रुप की पहल बोटिंग डे पर डील करिए। अपना बोटिंग मार्क दिखाएं और पेप्टेक के जेपी सिनेमा में पहुंचकर फिल्म का आनंद उठाएं। 20, 21 और 22 नवंबर को जेपी सिनेमा में पाएं स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक एकदम फ्री। 100 रुपए की कीमत वाले इस स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक को आप मुफ्त पा सकते हैं सिर्फ अपना बोटिंग मार्क दिखाकर। तो जेपी सिनेमा में लीजिए टाइगर 3 का आनंद, लेकिन बोट डालना मत भूलिए।